बिहार बोर्ड कंपार्टमेंटल परीक्षा के लिए आप लोग का ऑफिशियल नोटिस यहाँ पे जारी हो चुका है। वैसे छात्र जो एक सब्जेक्ट या फिर दो सब्जेक्ट में फेल हो चुके हैं और वो चाहते हैं कि इसी बार हम जो है परीक्षा देकर पास हो जाएं, तो आप जो है कंपार्टमेंटल की परीक्षा दे सकते हैं। कंपार्टमेंटल परीक्षा के लिए आप लोग को यहाँ पे ऑनलाइन आवेदन करना होता है, कुछ आप लोग का शुल्क होता है, वो शुल्क आप लोग को यहाँ पे जमा करना होता है और उसके बाद आप लोग का एक अलग से परीक्षा लिया जाता है और आप जो है उस परीक्षा में अगर पास होते हैं तो आपको इसी वर्ष में यानी कि आप लोग का सत्र 2023 में ही आप लोग को यहाँ पे पास कर दिया जाएगा और आप जहाँ पे इंटर्ड है उसको यहाँ पे पास कर जाइएगा। अब अभी जो है फिलहाल बिहार बोर्ड की तरफ से ऑफिशियली जो है नोटिस कुछ इस तरीके से जारी कर दिया गया है कि कंपार्टमेंटल का परीक्षा कब होने वाला है, किस तरीके से होने वाला है, उसका पूरा ऑफिशियल जो नोटिस है वहां पे जारी हो चुका है। तो मैं आप लोग को पूरी जानकारी देने वाला हूं कि किस तरीके से आप जो है कंपार्टमेंटल परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, कितना आप लोग को शुल्क लगने वाला है, सब कुछ मैं आप लोग को वहां पे बताने वाला हूं, तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। तो यहां पे आप देख पाओ दोस्तों, मेरे पास जो यहां पे ऑफिशियल नोटिस पड़ा हुआ है, यहां पे बताया गया कि इंटरमीडिएट कंपार्टमेंटल सह विशेष परीक्षा 2023 में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थियों के ऑनलाइन परीक्षा आवेदन भरे जाने एवं शुल्क जमा करने के संबंध में आवश्यक सूचना। तो इस तरीके से आप लोगों को सूचना जारी किया गया है, यहां पे आप लोगों का शुल्क बताया गया कि कितना कितना आप लोगों का शुल्क लगने वाला है और यहां पे आप लोगों का डेट बताया गया है। लेकिन अगर आप जो है इसको शॉर्टकट तरीके से पढ़ना चाहते हैं, जानना चाहते हैं और इसका ऑनलाइन आवेदन करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको करना क्या है, आपको अपने गूगल में टाइप करना है YTDC। आप यहां पे जो YTDC देख रहे हैं ये आपको अपने गूगल में टाइप करना है। सबसे पहला जो लिंक मिलेगा उस पर क्लिक करके आपको इस वेबसाइट पर चले आना है, फिर आपको थोड़ा सा नीचे आना है, यहां पर लेटेस्ट अपडेट सरकारी योजना और लेटेस्ट जॉब का ऑप्शन मिलेगा। लेटेस्ट अपडेट में आप लोग को यहां पे चेक करना है, थोड़ा सा नीचे चेक कीजिएगा तो यहां पे आप लोग को जो है बिहार बोर्ड 12th कंपार्टमेंटल एग्जाम 2023 यहां पे देखने को मिल जाएगा, इस पे आपको क्लिक करना है। कुछ इस तरीके से आप लोगों का पोस्ट यहां पे ओपन हो जाएगा, इस पोस्ट का डायरेक्ट लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से क्लिक करके आप जो डायरेक्टली इस पोस्ट पे आ सकते हैं। फिर आपको नीचे करना है, यहां पे मैंने जो पूरा जानकारी दे रखा है आपको थोड़ा सा नीचे करना है, यहां पे देख पाओगे आप लोगों का इंपॉर्टेंट डेट बताया गया, तो आप लोग यहां पे जो आधिकारिक सूचना जारी किया गया वो 23 तारीख को यहां पे जारी किया गया और आप लोग का जो आवेदन फॉर्म वो भी आज ही से आप लोग यहां पे ऑनलाइन होना शुरू हो चुका है, आज से आप यहां पे ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं और अंतिम डेट आप लोग का 27/3/2023 तक यहां पे रखा गया है, यानी कि 27/3 तक आप यहां पे जो कंपार्टमेंटल है उसके लिए आप यहां पे फॉर्म भर पाइएगा। नीचे आएगा तो यहाँ पे आप लोगों का एप्लीकेशन फी बताएगा कितना कितना आप लोगों का शुल्क लगने वाला है, तो परीक्षा आवेदन पत्र शुल्क आप लोगों का 150 रुपया रहने वाला है, परीक्षा शुल्क आप लोगों का 200 रुपया रहने वाला है और यहाँ पे लोकल लेवी आप लोगों का 480 रुपया रहने वाला है, अंक पत्र शुल्क आप लोगों का 170 रुपया रहने वाला है। ये सब आप लोग यहाँ पे मिलाकर जो है कितना आप लोगों को लगने वाला है वो सब यहाँ पे जो है आप लोगों का जानकारी दिया गया है। ये जो है अलग अलग संकाय के लिए अलग अलग आप लोगों का छात्र के लिए जो है अलग अलग आप लोगों यहाँ पे रहने वाला है। उसके बाद आप नीचे कीजिएगा तो यहाँ पे आवेदन किस तरीके से होगा वो आप लोग यहाँ पे बताएगा, फिर यहाँ पे इंपोर्टेंट लिंक्स का ऑप्शन है, यहाँ पे देख पाओगे चेक ऑफिशियल नोटिफिकेशन का ऑप्शन है, यहां पे क्लिक है पे आप क्लिक कीजिएगा तो ये जो आप लोगों का नोटिस है ये नोटिस आप लोग यहां पे ओपन हो जाएगा। यहां पे अलग अलग कोटि के जो छात्र होते हैं उनके लिए अलग अलग यहां पे शुल्क है, तो इस बात का भी आप लोग ध्यान रखिएगा। तो इस तरीके से दोस्तों आप लोग यहां पे बताया गया, फिर यहां पे आप नीचे कीजिएगा तो और भी यहां पे जानकारी दिया गया, आप चाहे तो इसको एक बार पढ़ लीजिएगा, नहीं तो इसको छोड़ सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। अब दोस्तों कंपार्टमेंटल परीक्षा में आवेदन किस तरीके से होता है वो मैं आप लोग को यहां पे बताता हूं। तो यहां पे जो आप लोग का आवेदन होता है वो ऑनलाइन ही होता है, लेकिन आप यहां पे ऑनलाइन आवेदन नहीं कर सकते हैं, आप लोग का जो आवेदन होगा वो आपके स्कूल के माध्यम से आपके स्कूल के जो प्रधान होंगे जो हेडमास्टर होंगे उनके द्वारा आप लोगों का आवेदन किया जाएगा। यहां पे आप लोगों का 1430 रुपया यहां पे टोटल शुल्क आप लोगों का लगने वाला है, वो आप लोगों को यहां पे करना होगा। आप जिस भी सब्जेक्ट में फेल हुए हैं आपको अपने स्कूल में जाना है, वहां पे बताना है कि हम जो इस सब्जेक्ट में फेल हो चुके हैं, तो वो सब्जेक्ट का आप लोगों को नाम बताना है और उसके बाद आप लोगों का रजिस्ट्रेशन कर दिया जाएगा उस सब्जेक्ट के लिए और उस सब्जेक्ट के लिए रजिस्ट्रेशन होने के बाद आप लोगों का जो परीक्षा है वो आप यहां पे दे पाएगा। आप लोगों का एक और यहां पे एडमिट कार्ड जारी किया जाएगा, उसके बाद एडमिट कार्ड आप लोगों को हमें मिलने वाला है स्कूल के द्वारा और फिर आप यहां पे परीक्षा दे पाएगा। परीक्षा कब होने वाला है इसके लिए जो आप लोगों का बिहार बोर्ड की तरफ से ऑफिशियल नोटिस आता है, उस नोटिस के बाद आप लोगों का जो परीक्षा है वो यहां पे किया जाने वाला है। अब इस बात का भी आप लोगों को यहां पे ध्यान रखना है कि आप लोगों का जो यहां पे परीक्षा शुल्क है वो आप लोगों को स्कूल में ही जमा करना है और स्कूल के माध्यम से ही आप लोगों यहां पे ऑनलाइन आवेदन होने वाला है। तो इस तरीके से आप लोगों यहां पे आवेदन होने वाला है। अगर आपको और भी डिटेल में जाना है तो आप जो इस पोस्ट को एक बार अच्छी तरीके से पढ़ लीजिएगा, आप लोगों को यहां पे पूरा जानकारी दिया गया है, आप इस पोस्ट को पढ़कर भी सारा जानकारी ले सकते हैं और आप अपने स्कूल के माध्यम से यहां पे जो कंपार्टमेंटल परीक्षा है उसके लिए आवेदन कर सकते हैं। आवेदन जो है आज से शुरू कर दिया गया, यानी कि 23 तारीख से आप लोगों का शुरू कर दिया गया और 27 तारीख तक आप लोगों का जो आवेदन वहां पे चलने वाला है, तो इस बात का आप लोग वहां पे ध्यान रखना है। आशा करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आएगा, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, इस वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, साथ ही शेयर कीजिए इस वीडियो को ताकि और भी लोगों को जानकारी मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तक के लिए धन्यवाद।